नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। परीक्षार्थियों के लिए आज से चलेगी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। बीपीएससी की 27 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा शनिवार से अगले आदेश तक 4 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन और 3 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का परिचालन राज्य के सभी प्रमुख शहरों से होगा। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वयं तथा सहयात्री के स्वास्थ्य के हित में मास्क पहनने के साथ ही कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों के हित में अगर आवश्यकता पड़ी तो ये ट्रेनें पुनर्निर्धारित भी की जा सकती हैं। बिहार के 4108 छात्रों ने जीता इंस्पायर अवार्ड। बिहार के छात्रों ने एक बार फिर से बिहार के नाम को रोशन कर दिया है। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 4108 छात्रों ने इंस्पायर अवार्ड जीत लिया है, जिसमें वैशाली को पहला और पटना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि हर विजेता छात्र को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। वहीं राज्य को 4,10,00,000 की राशि दी जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले होगा 194 पंचायत का गठन। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहार में नए नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के गठन की कवायद से पंचायत चुनाव का गणित प्रभावित होने की बात कही है, जिसके बाद ही नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्रवाई से सूबे के 194 पंचायतों का भूगोल बदलने की तैयारी की जा रही है और उसी के अनुरूप अगले साल होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए बन रही मतदाता सूची में भी परिवर्तन होगा। उन्होंने आगे कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग से जो प्रारंभिक सूचनाएं आई हैं उनके मुताबिक राज्य की 194 पंचायतों के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। राज्य की कुछ पंचायत पूरी तरह से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का हिस्सा जा रही है, उन जगहों पर तो कोई समस्या नहीं आएगी। सरकारी डॉक्टरों को काम नहीं करने पर वेतन नहीं मिलने की कही गई बात। छात्रवृत्ति स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर रहे जूनियर डॉक्टर के खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित करने वाले डॉक्टरों पर जहां कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं काम नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर हड़ताली डॉक्टरों के वेतन में कटौती के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर का बिना बताए हड़ताल पर जाना और काम में बाधा पहुंचाना सरकार की परेशानी का सबब बना हुआ है। डॉक्टरों के हड़ताल से मरीजों को कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश में कहा है कि पीजी छात्र बिना किसी सूचना या अग्रिम नोटिस के हड़ताल पर चले गए हैं, वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हड़ताली पीजी डॉक्टरों से सख्ती से निपटने का निर्देश भी जारी किया गया है। गया मुंबई के बीच शुरू हुई इंडिगो की विमान सेवा। गया एयरपोर्ट से नई दिल्ली के अलावा मुंबई के लिए भी इंडिगो की विमान सेवा शुरू हो गई है। गया से मुंबई के लिए यह सुविधा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रहेगी। शुक्रवार को मुंबई से इंडिगो का विमान गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसमें 170 यात्रियां और 62 यात्री मुंबई रवाना हो गए। निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इंडिगो का यह विमान गया से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। स्टेशन मैनेजर हुसैन कुरैशी ने बताया कि कोलकाता गया वाराणसी के बीच सेवा फिर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री निधि से दोगुनी होगी बिहार के किसानों की आय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सरकार ने शुक्रवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। बिहार के 534 प्रखंड के साथ विभिन्न स्थानों पर किसान चौपाल का आयोजन भी करवाया गया था। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी में कृषि विभाग सभागार बामेती में सम्पन्न हुआ। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान चौपाल कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि कानून के जरिए किसानों को सक्षम बनाने के लिए बिहार के साथ देश के करोड़ों किसान की तरफ से अभिवादन करता हूं। किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसमें 100% राशि केंद्र सरकार देती है। सृजन घोटाला में 100 करोड़ के गबन मामले में 3 बैंकों के कर्मचारियों पर मामला हुआ दर्ज। बिहार के चर्चित सृजन घोटाला मामले में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। भागलपुर डीएम ने 100 करोड़ के गबन मामले में बैंकों के कर्मचारियों पर FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का पालन करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। जिलाधिकारी ने 3 बैंकों के कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार गबन मामले में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के वैसे कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जो इस घोटाले में शामिल थे। इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने बताया कि महालेखाकार की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके पश्चात संबंधित लोगों पर डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए उन्हें निर्देशित किया था। बुद्ध सम्यक
दर्शन संग्रहालय के पास अब उतारा जाएगा हेलीकॉप्टर। वैशाली में भगवान बुद्ध की स्मृति में बनने वाले संग्रहालय बुद्ध सम्यक दर्शन के लिए देश विदेश के पर्यटक हेलीकॉप्टर से भी यहां पहुंच सकेंगे। सरकार ने यहां हेलीपैड बनाने के लिए जगह की पहचान कर ली है। डायरेक्टर सिविल एविएशन से अनुमति मिलने के बाद यह काम शुरू कर दिया जाएगा। भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना से लगे वैशाली में बनाए जा रहे बुद्ध स्मृति स्तूप और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के मास्टर प्लान को कुछ अरसा पहले ही मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, जहां देश विदेश से पर्यटकों को लाने की योजना है। जो पर्यटक राजगीर नालंदा बोधगया घूमने आते हैं, उन्हें इस स्थान की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का मसौदा तैयार किया है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी आज से। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के विस्तार पर भी विशेष रूप से चर्चा होने वाली है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का शुभारंभ हो चुका है और रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 2 दर्जन से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। बहुत सारे डेलीगेट्स रविवार को भी पहुंचने वाले हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय सहित कर्पूरी सभागार में आज बैठक हुई। पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बाबत कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और कोरोना की वजह से लगभग 14 महीने से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए यह बैठक बहुप्रतीक्षित थी। सभी बैठक के जदयू प्रदेश कार्यालय में हाल ही में बनकर तैयार हुए कर्पूरी सभागार में होगी। अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर राजनीति हुई शुरू। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों ने बीते दिन भाजपा का दामन थाम लिया है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपना बयान जारी करते हुए भाजपा को अजगर बताया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि अब समय आ गया है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह देखना चाहिए कि वो किसके साथ मिलकर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। भाजपा जदयू को पूरी तरह से समाप्त करने की नीति पर चल रही है। अरुणाचल प्रदेश तो उदाहरण मात्र है। भाजपा का असली निशाना बिहार में जदयू है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा जदयू का नामो निशान मिटा देगी। अजीत शर्मा ने आगे कहा है कि भाजपा की नीति जोड़ने से ज्यादा तोड़ने की रही है। राजद ने बढ़ाया नीतीश की तरफ दोस्ती का हाथ। अरुणाचल प्रदेश के बहाने राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का इशारा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इस बाबत कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक अपमान सहेंगे, अगर अब साहस दिखाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि उसे नीतीश कुमार की परवाह नहीं है, यह गठबंधन धर्म के साथ घात भी है। शिवानंद तिवारी ने इस घटना को लेकर नीतीश पर ही तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मोड में आ रहे हैं नजर। बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि वो लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच सड़क पर कानून व्यवस्था का जायजा लेते देखे गए, जिसके तहत बीते दिन अचानक पटना इनकम टैक्स डाक बंगला रोड कोतवाली टी पॉइंट उतरकर मुआयना करने लगे। अचानक सीएम का काफिला पहुंचने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार पटना के कोतवाली टी पर रुके, जहां मौके पर मौजूद पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से बुद्धा स्मृति पार्क से कोतवाली थाने के टी पॉइंट तक रास्ते को सुगम बनाने का दिशा निर्देश दिया, ताकि पार्क आने वाले लोगों को और ज्यादा सुविधा हो और यातायात सुगम हो सके। शाहरुख की बेटी सुहाना को क्रिसमस पर मिला एक खास तोहफा। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं हाल ही में शाहरुख की बेटी ने क्रिसमस के मौके पर मिले तोहफे को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सुहाना ने क्रिसमस के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गिफ्ट में मिले इयररिंग्स फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। सुहाना खान ने अपनी एक तस्वीर को इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। फोटो में वो अपने इयररिंग्स फ्लॉन्ट करती देखी जा रही हैं और उन्हें क्रिसमस पर गिफ्ट में मिली है। सुहाना की इस फोटो से पता चल रहा है कि वो क्रिसमस पर सज धज कर तैयार हुई थी। उन्होंने फोटो पोस्ट करने के साथ गिफ्ट वाले इमोटिकॉन शेयर किया है। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार भारत के खिलाफ शून्य पर आउट हुए स्टीव स्मिथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। रविचंद्रन अश्विन ने शुरुआती समय में 2 विकेट अपने नाम किया था, जिसमें स्टीव स्मिथ का बड़ा विकेट भी शामिल है। स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ पहली बार बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अच्छी नहीं देखने को मिली है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के वेतन को रोकने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।